मैं जयपाल प्रसाद और बोकारो हॉस्टल सिटी में इन दिनों रह रहा हूँ, और चूँकि सर्विस भी किया तो आफ्टर रिटायरमेंट ये हमारा रूटीन बन गया है कि मैं अंतिम दम तक कला सृजन में अपना समय दूंगा। हमें बड़ी आस्था है अपने देश के प्रति, गांधी के प्रति, सुभाष चंद्र बोस हुए, भारत माता हो, चाहे जो भी हो या टैगोर हो, इनको मैंने अपने हृदय से बहुत चाहा है और ये उड़ेल दिया गया। इसमें हमने गांधी का अपना कुछ नहीं था, वे यहाँ के धरती पे जो साधु संत हुए, सत्य के पुजारी हुए। अब जैसे महावीर को लें, गौतम बुद्ध को देखें, और ये हमारे सुभाष चंद्र बोस हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, ये लोग ही की प्रेरणा से गांधी को मौका मिला कि हम देश को आज़ाद कराते रहेंगे। और वैसी बात है, क्योंकि मैं उस समय वर्तमान था, 47 में मैं रसगुल्ला खाया था, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था तो स्कूलों में बांटा जाता था रसगुल्ला, मैं भी एक मिट्टी के चुकनी में रसगुल्ला पाया, तो उन दिनों को मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। और का प्रेरणा मैं तो लेता हूँ अपने, मेरे से जो जुटे हैं मैं उनको ये कहता हूँ, उन्होंने कहा था सत्य अहिंसा और प्रेम को लेकर अगर चलते हो तो जिंदगी में कहीं फेल्योर नहीं होगा, जो करना चाहोगे कर लो, स्वार्थ खाली नहीं होना चाहिए अकेला, बाकी सब कुछ तो मिलेगा ही धरती पे जो मिलना है, लेकिन अपने को एक ये रहना है कि हम सही सड़क पे, सही राह पे चलते रहें। हमें लोगों ने कहा कि अरे NCERT वाले ने 8 मांगा है, आप दीजिए। अगर 8 तो रखा है हमारा गांधी जी के 3 बंदर, और उस पे गांधी ऊपर में खड़े हैं, उस वर्क को उनको हमने दे दिया, उनको उड़े गए NCERT वाले में, बोला अरे आपका तो अवार्ड कर दिया। ना, गांधी जी के 3 बंदर पे अवार्ड हमारा मिलेगा, और सत्य अहिंसा प्रेम है वही अवार्ड दिलाएगा, अगर दिलाएगा तो। क्या का बना हुआ था? कागज से, लई से साट करके, लेस कम से कम सामग्री, सस्ते सामग्री से कुछ चीज का आप बनाइए,